अपने जीवन में कभी हार नहीं मानने वाले एवं सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले मनोहर पारिकर का जन्म गोवा राज्य के मापुसा गांव में साल 1955 में हुआ था। लोयला हाई स्कूल से इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद IIT मुंबई से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। एक छोटे से राज्य से अपनी राजनीति सफर का शुरुआत करने वाले पारिकर ने अपनी मेहनत के दम पर आज अपना अलग पहचान बनाया। मनोहर पारिकर ने अपनी पहली मुख्यमंत्री पद की शपथ 2000 ईस्वी में ली। इनका कार्यकाल 2000 से 2002, 2002 से 2005, इसके बाद 2012 से 2014 तक था। 2014 में इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर BJP की मोदी सरकार में रक्षा मंत्रालय ग्रहण किया। इसके बाद 14 मार्च 2017 को पुनः गोवा के मुख्यमंत्री पद को संभाला। इन्होंने अपनी राजनीति सफर की शुरुआत RSS से किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने RSS की युवा शाखा के लिए काम किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्हें BJP का सदस्य बनने का मौका मिला और इन्होंने BJP की तरफ से साल 1994 में गोवा के पणजी सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और चुनाव जीते, लेकिन BJP इन चुनावों में कुछ खास नहीं कर सकी। इनका जीवन शुरू से ही संघर्षपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय के बाद इनकी पत्नी मेधा पारिकर का निधन हो गया। अपने दोनों बेटों का पालन पोषण इन्होंने खुद अपने दम पर किया। एक साधारण व्यक्ति की तरह इनका रहन सहन, कहा जाता है कि अपने राज्य की विधानसभा खुद स्कूटर से चलाकर जाया करते थे एवं सरकारी घर को छोड़कर अपने घर में रहते थे। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि मनोहर पारिकर पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके पास IIT की डिग्री थी। साल 2001 में इन्हें मुंबई IIT के द्वारा सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साल 2012 में CNN IBN ने इन्हें राजनीति श्रेणी में पुरस्कार दिया था। पिछले एक साल से ही अग्नाशय के कैंसर से जूझ रहे थे। इस दौरान भी उन्होंने अपनी काम नहीं रोकी और आखिरकार 63 साल की उम्र में रविवार देर शाम इनका निधन हो गया और हमारे देश ने फिर एक अनमोल रत्न को खोया।